मेरा नाम सलीम सागर है, मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी। और यहाँ पे आज जो सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे हो रहा है, हमने सिर्फ टॉप लेवल के जो हमारे 20 लीडर्स उनको हमने यहाँ पे बुलाया। हम नहीं चाहते हैं कि हम अगर हम कोई प्रोटेस्ट कॉल देते टीचर्स के लिए, प्रोटेस्ट कॉल देते उसका असर हमारे स्कूलों पर पड़ जाता उसका। सलीम सागर है, मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी। और यहाँ पे आज जो सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे हो रहा है, हमने सिर्फ टॉप लेवल के जो हमारे 20 लीडर्स उनको हमने यहाँ पे बुलाया। हम नहीं चाहते हैं कि हम अगर हम कोई प्रोटेस्ट कॉल देते टीचर्स के लिए, प्रोटेस्ट कॉल देते उसका असर हमारे स्कूलों पे पड़ जाता उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ जाता, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। और हमारा जो आज यहाँ पे आने का मदा मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो हमारी टीचर्स हैं उनकी तेरह तकरीबन 700 से कुछ ज़्यादा वो हमारी टीचर्स हैं कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ। और इनकी जो इंस्टीट्यूट प्रमोशन है, जो टाइम बाउंड होती है, टाइम बाउंड का मीनिंग यही होती है कि जब 9 साल कोई कंप्लीट करता है अगले दिन उसकी टाइम बाउंड होनी चाहिए। लेकिन सितम जरीफी यहाँ पे ये है कि इंसाफी देखिए, यहाँ पे 2018 में टाइम अमाउंट हमारा ड्यू है, 2019 में हमारा टाइम अमाउंट ड्यू है, लेकिन आज तक 5-6 साल गुजरने के बाद भी हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ साथ TG3 के जो हमारी टीचर्स हैं उनको TG2 में उनको कन्वर्ट होना है, लेकिन उनको उनकी फाइलें भी यहाँ पे डायरेक्टरेट में वो दूर चाट रही हैं। उसके साथ साथ जो रेगुलराइजेशन का मामला, जो हमारी ईवी कन्वर्टेड RET जो है, इसके RET जो हमारे हैं जिनकी रेगुलराइजेशन पीरियड 5 साल होता है, उनने वो कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन भी नहीं हो रही है। इसके साथ ओवरलैपिंग का जो मामला बना हुआ उनकी भी वहाँ पे TG3 जो फाइलें वहाँ पे पड़ी है उनको भी कन्वर्ट होना है TG2 में, लेकिन वो फाइलें भी वहाँ पे पड़ी हुई है। इसलिए आज हम सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारी डिमांड है यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल सेक्टर एजुकेशन आलोक कुमार जी है, हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है, उनसे हमारी पुरजोर हमारी गुजारिश है कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें। और जो हमारी CO साहिबा खास करें, मैं यहाँ जो प्रोटेस्ट असल में हमारा हो, ये हमारे CO साहिबा, चाहे CO कुपवारा हो, चाहे CO बारामूला हो, चाहे CO नगर हो, CO पुलवामा हो, इसलिए CO कुलगाम हो, और जो बाकी जो CO है उनके खिलाफ असल में ये हमारा प्रोटेस्ट आज यहाँ पे हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टर से उनको क्लियर कट ऑर्डर्स जाने चाहिए कि इन टीचर्स का हर महीने 6-7 हज़ार रुपया लॉस होता है, इनको क्लियर कट ऑर्डर्स यहाँ से होने चाहिए डायरेक्टर ऑफ कश्मीर से कि इनकी और कोर्ट ऑर्डर भी हमारे पास है और कैट ने भी हमारे हक में डिसीजन दिया है और फिर मजबूर हमें कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ा, वहाँ से भी क्लियर कट ऑर्डर्स आए, लेकिन फिर भी हमारे CO साहिबान जो है वो हमारी प्रमोशन नहीं करें। इसलिए आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूर होकर हम यहाँ पे अपना सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट आज यहाँ पे हम दर्ज करें।